और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान मौजूद, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी मौजूद, बसपा से उमा शंकर, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मौजूद, सुबह सपा जनसत्ता दल निषाद पार्टी भी हुई शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान मौजूद हैं, वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी मौजूद हैं, बसपा से उमा शंकर, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मौजूद, सुबह सपा जनसत्ता दल निषाद पार्टी भी हुई शामिल। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान मौजूद हैं, वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल हैं, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी मौजूद हैं, वहीं बसपा से उमा शंकर, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मौजूद हैं, सुबह सपा जनसत्ता दल निषाद पार्टी भी हुई शामिल। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान मौजूद हैं, वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल हैं, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी मौजूद, बसपा से उमा शंकर, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान मौजूद हैं, वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल हैं। सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी इस दौरान मौजूद हैं, वहीं बसपा से उमा शंकर, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मौजूद हैं, सुबह सपा जनसत्ता दल निषाद पार्टी भी हुई शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान मौजूद हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। अमरेंद्र जी, यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है, और यूपी की विधानसभा भी निश्चित रूप से सबसे बड़ी है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा निश्चित रूप से देश में सबसे बड़ी होने के साथ साथ देश की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, और विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है जी। और शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट आना है, सरकार ने तैयारी की है। इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया से निवेश आमंत्रित किया गया है, और उसके इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम से पहले विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण है, और इसलिए सत्र से पहले परंपरागत तरीके से सर्वदलीय बैठक होती है, वो बैठक अभी अभी शुरू हुई है, बैठक जारी है। बैठक में हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव दोनों मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ ही जो सपा है जिसके दल नेता अखिलेश यादव हैं, तो उनके दल के मुख्य सचेतक के रूप में मनोज पांडे, डॉक्टर मनोज पांडे विधायक हैं रायबरेली से, वो बैठक में मौजूद हैं, और इसके अलावा सभी दलों के दल प्रतिनिधि दल नेता वहां मौजूद हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर बैठक में मौजूद हैं, जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं, और साथ ही जो है अपना दल की ओर से भी इस बैठक में प्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा मोना इस बैठक में मौजूद हैं, बसपा की ओर से उमा शंकर सिंह जो की एकमात्र विधायक हैं बैठक में मौजूद हैं, और इस सर्वदलीय बैठक में 3 दिन तक सदन की कार्यवाही को
कैसे चलाया जाएगा, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किस पर प्रश्नकाल लिया जाएगा, कब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, कब उस बजट पर बातचीत होगी, बहस होगी, और कब उसको पारित कराई सरकार, और कैसे पक्ष और विपक्ष के जो विधायक गण हैं उन्हें जनता की अपनी बात को इसमें रखने का मौका मिलेगा। ये सारी बातें इस सर्वदलीय बैठक में तय होंगी और तय होने के बाद कार्य मंत्रणा में चली जाएंगी और कार्य मंत्रणा से एजेंडा बन करके और उसके अनुसार विधानसभा की कार्यवाही होगी। कल जब सत्र प्रारंभ होगा तो बाकायदे एक रेडीमेड एजेंडा पटल पर रखा जाएगा और उसी के अनुसार पूरी कार्यवाही होगी। तो इस तरह यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है जी। क्या लगता है अमरेंद्र जी, इस सर्वदलीय बैठक में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से उठाया जाएगा? देखिए, पक्ष विपक्ष की दोनों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। जहां सत्ता दल की अपनी प्राथमिकता होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों को दिखा करके जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर काम करके, जनता की जो जरूरतें हैं उस पर काम करके और अपने दल की नीतियों को, अपनी सरकार की नीतियों को जनता की नजरों में अच्छा और प्रभावशाली साबित कर सके। वहीं जो विपक्ष होता है, जो विपक्ष होता है उसका एजेंडा होता है कि सरकार की ज्यादा से ज्यादा कमियों को ढूंढ करके, उन कमियों को सदन पे ला करके और सरकार को उन कमियों को दूर करने के लिए मजबूर किया जाए और इस बात की, सरकार की जो कमी है वो बात भी जनता तक पहुंचे ताकि जनता में विपक्ष को इसका लाभ मिल सके। तो विपक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा बड़ी विधानसभा है, इसमें कई दल जहाँ सत्ता पक्ष के साथ है वहाँ कई दल विपक्ष के भी साथ है। बात करते हैं दलों की तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार जरूर है, लेकिन निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कई दल ऐसे हैं जो विपक्ष में आपके गठबंधन में हैं, जैसे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सपा दल के साथ में उन्होंने बाकायदे लोक दल को लिया हुआ है। उसके अलावा थोड़े दिनों पहले तक ओम प्रकाश राजभर की विपक्ष में अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की स्थिति जो है वो न इधर की है न उधर की है और पक्ष और विपक्ष अपनी प्राथमिकताओं की बात जो है सर्वदलीय बैठक में रखेगा और अपनी बात को मजबूती से पेश करेगा। जी जी, धन्यवाद अमरेंद्र जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से दिखा रहे थे, जहां लखनऊ में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है।